अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं जॉब आपके सामने लेकर आया हूँ वो है महकमे खुराक की, यानी कि फूड डिपार्टमेंट की, हुकूमत सिंध की तरफ से। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि देखिए, कराची के अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीर आबाद, सक्कर और लाड़काना, ये तमाम जगह पर वैकेंसीज हैं। देखिए कराची में जो है हेडक्वार्टर, इसके अलावा उत्तर जो रीजन्स हैं, इसके साथ साथ हैदराबाद, मीरपुर खास, देखिए ये देखिए इस तरह ये है शहीद बेनजीर आबाद, और इसी तरीके से जी जो है सक्कर, लाड़काना, ये तमाम जगह की वैकेंसीज हैं। तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ डॉक्यूमेंट जमा होंगे, क्या क्या चीज़ें जमा होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना होगा। अब तो साथ ही साथ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इस टाइप की जो भी अच्छी वैकेंसी आती है, जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, वो मिलती रहे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ ये महकमे खुराक की जॉब की मुकम्मल डिटेल। जी दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रेड एक से लेकर चार तक की नॉन टेक्निकल असामियां है ये जी, ठीक है, जिसमें देखिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सक्कर और लाड़काना। अब देखिए इसको हम किस तरह अलग करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सिंध हेडक्वार्टर जो है सिंध में वाक़ है, उसमें है ड्राइवर की जॉब्स, दो असामी है, 3 साल ड्राइविंग लाइसेंस का तजुर्बा, और 3 साल ड्राइविंग का तजुर्बा और ड्राइविंग लाइसेंस हो, सिंध का डोमिसाइल हो, पूरे सिंध का कहीं का भी, और 18 से 28 साल उम्र, लेकिन देखिए उम्र के हद में 15 साल की रियायत है, तो ये बन जाएगी 43 साल। याद रखिएगा सब में 18 से 28 है, तो ये 18 से 43 साल, यानी कि 43 ईयर्स है एज। अच्छा जी, देखिए ये तो हेडक्वार्टर की जॉब हो गई। इसके बाद देखिए हेडक्वार्टर में ही नायब कासिद की जॉब है, पूरे सिंध से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 वैकेंसीज हैं। फिर देखिए रीजनल डायरेक्ट जो है, रीजनल हर ठीक है, रीजनल बेस वैकेंसीज हैं, इसमें देखिए लांडी है, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ फूड SGG3 लांडी कराची, इसमें देखिए नायब कासिद की एक, कराची रीजन है, नायब कासिद है 4, साउथ है, फिर स्वीपर है 1, साउथ है। इसी तरीके से देखिए हैदराबाद वाले जो वैकेंसीज हैं, ये आप इस तरह अलग अलग करेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा हैदराबाद रीजन में। फिर देखिए यहाँ पे जी मीरपुर खास है, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है यहाँ पे। फिर देखिए शहीद बेनजीराबाद है, तो इसमें भी ये है, ठीक है जी, सांगड़ भी है, फिरोजाबाद भी है, नौशहर फिरोज भी है। इसी तरह देखिए सक्कर रीजन में आ जाएगा, देखिए सक्कर है, घोटकी है, खैरपुर है। तो ये वीडियो को रोक के आप तमाम डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे है लाड़काना, लाड़काना में जो है कंबर है, शिकारपुर है, जैकवाबाद है, कशमोर है, ठीक है जी, ये तमाम डिटेल्स है। अच्छा, करना क्या है आपको, अगर किसी भी फील्ड में आप अपने उस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका रीजन, मिसाल के तौर पर मैं अगर कराची का ही लेता हूँ, देखिए चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वैकेंसीज है 3, उम्र की हद भी सही है। अच्छा, ये तालीम और तजुर्बा किसी किस्म का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए तो ये था, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में के जो है तैनाती होगी, डोमिसाइल PRC डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का होना चाहिए, जो कि नायब कासिद का अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर कोई, तो जी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, अगर कराची का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जिनका डोमिसाइल PRC है वही अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से देखिए सक्कर का, अगर आप जो है कासिद दफ्तरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसकी एक वैकेंसी है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट सक्कर का आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी, और अगर चौकीदार का तो सक्कर रीजन का होना चाहिए आपके पास डोमिसाइल PRC। फिर देखिए जैसे नायब कासिद है एक वैकेंसी, तो डिस्ट्रिक्ट कश्मोर का होना चाहिए आपके पास, लड़काना के अंदर डिस्ट्रिक्ट कश्मोर का आपके पास डोमिसाइल PRC होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से तमाम अपनी डिटेल आप अलग अलग कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे और मजीद क्या क्या कवायद हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये 15% जो कोटा है वो खवातीन का है, जो भी जॉब आप देख रहे हैं इसमें 15% खवातीन का कोटा है, 5% जो है वो अकलियत का, यानी कि गैर मुस्लिम का है। और इसके बाद जी देखिए दूसरा क्या, 15 साल की रियायत जो मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्या है कि अगर आप सरकारी महकमे में पहले काम कर रहे हैं तो NOC के जरिए अप्लाई करें। उसके बाद जी आप बाकी जो जर्नल लोग हैं वो किस तरह अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 2 अदद तस्वीर तालीमी काबिलियत के जो भी सर्टिफिकेट हैं, NIC डोमिसाइल PRC तजुर्बे के सर्टिफिकेट अगर हैं, तो इन तमाम की फोटोकॉपी आपको करानी है, और उसके बाद फिर उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है जी। ये आपने करवा लिया, उसके बाद आप एक बनाएंगे दरखास्त, ठीक है जी, तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी की, उसको अटेस्ट किया, आप बनाए दरखास्त, और दरखास्त
क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, वही जर्नल जो मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ अहम है इस मरतबा। देखिए, जिस तरह के मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया नायब कासिद में कराची में, तो आप ये पता लिखेंगे ऊपर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिंध और रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ फूड SGG 3 लांडी कराची, इस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो अंदरूनी सिंध के हमारे भाई हैं कराची के अलावा कहीं के, तो देखिए वो जैसे मीरपुर खास है ये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर नायब कासिद के लिए या चौकीदार के लिए अप्लाई करने हैं, 17 वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का आपका डोमिसाइल PRC है, तो रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ फूड रिंग रोड नज़द इकबाल पम्प मीरपुर खास, यहाँ पे आप ये इस तरह ये पता लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे जो आपके जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पोस्ट है, फिर जो भी ग्रेड है, फिर नाम आपका, फादर नेम, NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल PRC कहाँ का है और घर का पता, पोस्टल एड्रेस मतलब, और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और जी यहाँ पे डेट डलेगी जिस डेट को आप जमा करा रहे हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप जिस रीजन में अप्लाई करेंगे उस रीजन का, जैसे कि हर रीजन का पता जो है वो दर्ज है रीजन के ऊपर, तो वो पता जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। इस जगह पे वो पता आएगा और उसके बाद फिर बाकी जो है एप्लीकेशन लिखी जाएगी। ये एप्लीकेशन आप खुद से भी बना सकते हैं, मेरी शॉप से भी आके ले जा सकते हैं, या खुद अगर कोई आपकी कोई करीबी शॉप है तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये हेडिंग जो है इसका आप अलग अलग अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा और फिर बनाइएगा अपनी एप्लीकेशन जी, ठीक है जी। तो ये थी एप्लीकेशन, बन गई। अब इसके बाद क्या करना है जी दोस्तों, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा था कि जी 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट, NIC, डोमिसाइल, PRC, तजुर्बे के सर्टिफिकेट अगर हैं, तो तमाम की फोटोकॉपी करानी है आपको और उसके बाद फिर उसको अटेस्ट करवाना है। फिर ये एप्लीकेशन जो तरीकाकार मैंने बताया उसके हिसाब से एप्लीकेशन आपने फिल की। अब आपको जो है कहाँ पे इसको दरखास्त को जो है एक इन्वेलप में डालना है, इन्वेलप के ऊपर जो आप ये पता लिखेंगे ये किसके नाम से है, तो ये मैं आपको बता दूं कि पता क्या है। देखिए इन्वेलप पे, यानी कि ये किस पते पे जानी चाहिए आपकी दरखास्त, देखिए बनाम डायरेक्टर फूड, देखिए डायरेक्टर फूड सिंध, यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है इन्वेलप के ऊपर, ठीक है जी। डायरेक्टर फूड सिंध, 4th मंजिल, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट, बिल्डिंग नंबर 1, कमाल अतातुर्क रोड, कराची, ठीक है जी। आपने दरखास्त लिखी, दरखास्त में मुतलका डिस्ट्रिक्ट का हवाला दिया, रीजन का हवाला दिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स डाले और ये अब किस पते पे रवाना करना आपको दरखास्त, वो दरखास्त है GIG, इस पते पे रवाना होगी डायरेक्टर फूड सिंध, 4th मंजिल, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट, बिल्डिंग नंबर 1, कमाल अतातुर्क रोड, कराची। और ये 18 मार्च 2020 आखिरी तारीख है, याद रखिएगा कि 18 मार्च 2020 आखिरी तारीख है। और अगर आपने इससे पहले भी दरखास्त दी है फूड डिपार्टमेंट में, तो आपको दोबारा दरखास्त देनी होगी, पहली भी जो भी दरखास्तें हैं शायद वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जो है अपना, उसके हिसाब से आपको दरखास्त बनानी है, तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो साथ लगाने हैं, और उसके बाद 18 मार्च 2020 से पहले डायरेक्टर फूड सिंध, 4th मंजिल, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट, बिल्डिंग नंबर 1, कमाल अतातुर्क रोड, कराची पे इसको भेज देना है। उम्मीद है कि जॉब की तमाम डिटेल आपको समझ में आई होगी और आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर लेंगे। एक बार फिर मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना बल्कि खुद बनाना है, पैटर्न मैंने दे दिया है, इस पैटर्न के हिसाब से आप खुद बना सकते हैं, कहीं से बनवा सकते हैं, मेरी शॉप से आके ले जा सकते हैं। ये है एप्लीकेशन फॉर्म और साथ साथ जो है ये है डिटेल, ये डिटेल जो है आप यहाँ वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो तमाम जगहों पर जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने शेयर कर दूंगा इसको, तो बहरहाल आप जो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अप्लाई करना चाहते हैं, तमाम डिटेल आपको मिल गई, एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा और तमाम चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगी। लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही लिंक है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई जॉब, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अब नई किसी वैकेंसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।